दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप SBI पर्सनल नेट बैंकिंग की अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए हैं तो किस तरीके से अपना यूजर नेम पासवर्ड पा सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में लिख लेना है SBI नेट बैंकिंग, ठीक है। आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। तो चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इसका इंटरफेस इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है कंटिन्यू टू लॉगिन, जैसे कि यह है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद में जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड हमें पता नहीं है, तो हम इन्हें दोनों को पाने के लिए हमें यहाँ पर बराबर में देखने को मिल गया है, जैसे कि यह है फॉरगेट यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड, तो इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से अगर एरर आता है तो हम इसे दोबारा यहाँ पर इसे कट करेंगे। चलिए मैं इसे कट कर देता हूँ। उसके बाद में दोबारा हम इसी पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही सिंपली इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो इस आइकन पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉरगेट यूजर नेम, तो हमें सबसे पहले यूजर नेम को प्राप्त करना होगा, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अभी यहां पर ये लोड हो रहा है। कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको CIF नंबर डालना होता है जो कि आपकी पासबुक पर होता है, तो आप अपनी पासबुक से देखकर ये नंबर को डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैंने इंडिया, मोबाइल नंबर, और आपको यहाँ पर कैप्चा कोड को डालकर आपको सबमिट पर सिंपली क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो चलिए हम OTP डालकर यहाँ पर कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इतना काम कर देते हैं तो आपके सामने जो भी आपका यूजर नेम होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैंने इसे ब्लर कर दिया है, ठीक है, तो यहीं पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं इसे कट करता हूँ। उसके बाद में फिर हम इसी पर ही सिंपली क्लिक करेंगे और इस आइकन पर सिंपली क्लिक करेंगे। यूजर नेम हमने प्राप्त कर लिया है, तो फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे पासवर्ड के लिए। नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका यूजर नेम, अकाउंट नंबर, कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी आपके बैंक खाते में ऐड है। उसके बाद में नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे और ये हमारा कैप्चा कोड यहाँ पर देखने को मिल गया है, वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, सबमिट पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सबमिट पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में हमारे मोबाइल नंबर पर फिर एक OTP जाएगा, वो OTP हमें यहाँ पर दोबारा डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं, कंफर्म पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि ATM, प्रोफाइल पासवर्ड और इसी के साथ में रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच। तो हमारे पास ATM कार्ड है तो हम ATM कार्ड को यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास जो भी चीज़ है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। मैंने यहाँ पर अपना ATM कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में जो भी ATM एक्टिव है उसे आप टिक करेंगे, कंफर्म पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड बना लेना है, 8 अंकों का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जैसे कि @ अंक, ABCD के अक्षर डालकर आपको 8 अंकों का बनाना है। उसके बाद में सबमिट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सबमिट पर मैंने सिंपली क्लिक कर दिया है और आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर सक्सेस यानी कि सफलतापूर्वक बन जाएगा। तो इस तरीके से आप पासवर्ड और अपना यूजर नेम प्राप्त कर सकते हैं। यूजर नेम डालेंगे लॉगिन करने के लिए और इसी के साथ में पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड को डालकर और आपको यहाँ पर लॉगिन पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन पे मैंने सिंपली क्लिक कर दिया है। हमारे मोबाइल नंबर पर फिर एक OTP जाता है, वो OTP डालकर आपको यहाँ पर सबमिट पर सिंपली क्लिक कर देना है। फिर से आपको 8 अंकों का एक अलग बिल्कुल यूनिक नया पासवर्ड बना लेना है, ये आपके रिकवरी के लिए होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोबारा डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको हिंट पोर्शंस आपको यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको एक हिंट आंसर दे देना है और आपको सबमिट पर सिंपली क्लिक कर देना है।
तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा और सफलतापूर्वक अपनी नेट बैंकिंग में आप यहाँ पर लॉगिन कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी नेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यूजर नेम पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं और आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तब। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।